हेलो दोस्तों, डीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आप लोगों को सीआई का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। चलिए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। पी बराबर कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 2500 रुपया। आर बराबर कितना दिया, 4% दिया है। टी बराबर 2 वर्ष दिया है। इसमें पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंट क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वो सब बेसिक तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए सबको ठीक से बनाते हैं, ठीक है। चार गोला खींच देंगे, ठीक है। आर 4% दिया है तो 4% का फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, 1/25 होगा, ठीक है। तो 2500 है ना, तो 2500 लिख दिए। 2500 के 1/25 कितना होगा, 2500 लिख दिए, 1/25 और फिर 1/25। तो 2500 के 1/25 कितना, 100 हुआ ना, 100, तो 100 लिखेगा। 100 के 1/25 कितना होगा, 4 होगा ना, तो बस बन गया। डिफरेंट कितना है, डिफरेंट पूछ रहा है ना, केवल सीआई और एसआई का डिफरेंट। तो डिफरेंट बराबर 4, तो डिफरेंट बराबर आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो राशि ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए लिखते हैं, टी बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। आर बराबर 5% और डिफरेंट कितना पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है 2500 रुपया, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या निकलना है, प्रिंसिपल निकलना है, प्रिंसिपल बराबर क्या, प्रिंसिपल निकलना है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, वही ट्रिक फॉलो कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। नहीं तो बेसिक ट्रिक और सब दूसरा ट्रिक बनाइएगा, जहाँ काफी समय लगेगा और आप लोग के पास उतना समय नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बस और ट्रिक है, बस गोला बनाने के लिए सीख लीजिए। अगर ये गोला नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट वन देखिएगा, पार्ट वन में आपको सभी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आर देखते हैं, दर देखते हैं। तो आर बराबर 5% है ना, आर बराबर 5%, तो इसको किसमें फ्रिक्शन में चेंज करते हैं, तो 5/100 होगा, यानी 1/20 होगा, ठीक है। तो ये जो अंश होता है ना, सबसे पहले उसको लेते हैं, यहाँ एक लिख दिए, ठीक है। तब एक एक के 1/20, इसका 1/20, तो एक के 1/20 कितना होगा, 20 20, और 20 के 1/20 कितना होगा, 400। ये 400 है ना, ये प्रिंसिपल 400 केवल माना गया है, ओरिजिनल में प्रिंसिपल नहीं है, ये माना गया है, माना हुआ प्रिंसिपल है, ठीक है। एक का डिफरेंट कितना, डिफरेंट से कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक का डिफरेंट कितना है, एक का डिफरेंट 25 रुपया, एक का 25 रुपया, तो 400 है ना, 400 × 25 बराबर कितना हो गया, 10000 रुपया। आंसर कितना है, 10000 रुपया, समझ में आ रहा है। एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि सबसे पहले हम रेट देखते हैं, रेट तो रेट कितना है, रेट है 5%, तो 5% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना है, 1/20 है। तो इसे 4 गोला बनाने के लिए सीख लेंगे, ठीक है। और एक का 1/20 निकालेंगे, एक का 1/20 20 20, फिर 20 के 1/20 400 हुआ, ठीक है। तो एक का डिफरेंट इसमें कितना है, डिफरेंट से तुलना करेंगे, एक का डिफरेंट कितना है,
पच्चीस रुपया है ना, पच्चीस रुपया तो 400 का 400 गुना 25 बराबर 10,000 रुपये, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी धन राशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है तो धन राशि कितनी है, फिर वही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसमें आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर 10% दिया है, टी बराबर कितना 2 वर्ष, और डिफरेंट बराबर कितना 40 रुपया, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो फिर वही गोला बनाएंगे, सबसे पहले आर देखेंगे 10% है ना, तो इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/10 होगा ना, एक डिफरेंट एक मान लेंगे ना, ये अंश से उसको नीचे मानते हैं, डिफरेंट में एक मानते हैं अंश को, ठीक है। एक हो गया, एक बटा दस कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 के 1/10 कितना होगा, 100 हुआ, 1/10 1/10। अब एक का डिफरेंट कितना है 40 रुपया, तो 100 का कितना होगा, 40 गुना 100 बराबर 4000, ठीक है। इस तरह नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी ट्रिक बहुत अच्छा है, ठीक है। जो रेट दिया रहता है ना, रेट दिया रहता है रेट को डिफरेंट के बराबर करेंगे, रेट बराबर 10% दिया है ना, तो 1/10 के होल स्क्वायर बराबर कितना, इतना करेंगे 40 करेंगे, 1/100 बराबर 40, एक का अंतर 40 तो 100 का अंतर 100 × 40 बराबर 4000 रुपये, समझ में आ रहा है। इस तरह भी बना सकते हैं, इसको आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे वही बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन दिया है, किस धन राशि के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 है तो धन राशि ज्ञात करें, ठीक है। हम देखिए संयोजित कर रहे हैं ना, इसके लिए बता रहे हैं हम, इसमें कितना दिया है, हाँ बाबा 8% दिया है, टी बराबर कितना दिया है, वर्ष का अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए टी बराबर कितना, 1 साल दिया है ना, 1 वर्ष दिया है, और डिफरेंट कितना दिया है, 6 माही संयोजित होता है, जब 6 माही देगा, 3 माही देगा और वार्षिक देगा, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए जब 6 माही देगा, आर में 2 से भाग करते हैं, देखिए इसको बना रहे हैं संयोजी, दर हो गया, समय हो गया, ठीक है। जब हाफ ईयरली देगा नहीं, 6 माही देगा, तो दर में कितना, 2 से भाग करते हैं, यानी कि साल भर में 2 ही 6 माही होता है ना, तो 2 से भाग करेंगे,
समय में 2 से गुना कर देंगे, जब 6 माह ही देगा, ये 3 माह ही देगा तो क्या कर, साल में 4 3 माह ही होता है ना, तो दर में 4 से भाग कर समय में 4 से गुना करेंगे। ये 4 माह ही देगा, 4 माह ही देगा तो क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, साल में 3 में 4 माह होता है। अब 5 माह ही देगा तो क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 12/5 से, 12/5 से गुना करेंगे, यही 6 माह ही देगा तो क्या करेंगे, 12/6 से दर में भाग करेंगे और समय में 12/6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, अर्ध छमाही समझोजित होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, दर में कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे ना, तो 8% दिया तो 2 से भाग करेंगे तो 4% हो गया, और समय में 2 से गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। फिर गोला बना लेंगे, ठीक है, तो आर बराबर कितना, 4% है ना, तो 4% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 1/25 होगा, 2/25 होगा, 1/2/50 तो 1/25 होगा। ठीक है, तो नोमिनेटर यानी कि अंश 1 मान लिए, ठीक है, 1 1/25 25 25 25 का 1/25 625, 1 का डिफरेंस कितना है, 30 है ना, 1 का डिफरेंस 30, ठीक है, तो 625 का ये माना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, प्रिंसिपल माना हुआ है, तो 625 का 625 गुना 30, 15 3 2 6 1 7 6 3 18 इतना 8750 रुपये, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इसको दूसरा तरीके से कैसे बनाते हैं, इसको दूसरा तरीके से केवल जो दर होता है वो डिफरेंट के सामने दर का स्क्वायर करते हैं, अगर 2 साल का रहेगा और उसके सामने डिफरेंट जो अंतर होता है उसको रखेंगे, जैसे 1/25 1/25 है ना, 1/25 के स्क्वायर बराबर कितना डिफरेंट, इसमें कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 1/625 बराबर 30, 1 का 30 तो 625 का 625 गुने 30 बराबर 15 3 2 6 1 7 6 3 18 8750 रुपये। ठीक है, तो दोनों टाइप से बना सकते हैं, जिस टाइप से आपको मन में, जिस टाइप से इच्छा करे, जिस टाइप से आपका मन करे उस टाइप से बनाना, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिया है किसी धन राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट 1 है, तो वो धन राशि ज्ञात करें, लो वही क्वेश्चन, 4 बोला, आर बराबर 4%, टी बराबर 2 वर्ष और डिफरेंट बराबर 1, ठीक है, तो डिफरेंट 1 तो ये दिया है, तो आर बराबर 4% यानी 4/100, 1/25, 1 का 25, 25 का 25, 625, 625, डिफरेंट को डिफरेंट के सामने रख, डिफरेंट ही करा है ना, 625 का 625 गुने 1/625,
ठीक है, 625 आ गया ना, तो आंसर में 625 आ गया। ठीक है, तो रहना जाता है इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।